स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो आइए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 1.4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है प्रूफ दैट। यहाँ पर हमें जो भी हमने एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़े पिछले वीडियो में, वो सारी जो है वो हमें याद रखना है और फिर उसे देख करके हमें जो है वो गिवन स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। अभी तक आपको शायद से याद नहीं हुए हो स्टेटमेंट्स, कोई बात नहीं, अभी जैसे आप ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करना, तो आप जो है वो टेबल जो है अपने साथ ले करके बैठिए, तो हमें क्या होगी, आसानी होगी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम अपने हमेशा LHS से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो P डबल इम्प्लीकेशन Q है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं टेकिंग P डबल इम्प्लीकेशन Q। तो यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन है तो हम क्या लगाएंगे, बाय कंडीशनल लॉ लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इक्विवेलेंट टू, हमारा बाय कंडीशनल लॉ क्या कह रहा है, P implies Q, बीच में एंड और हो जाएगा Q implies P। तो ये हमारा कहां से आया, बाय कंडीशनल लॉ, इस तरह से जो है हम रीजनिंग कर देंगे। उसके बाद जो है हम, ये इम्प्लीकेशन है तो हम क्या लगाएंगे, कंडीशनल लॉ लगाएंगे। हमारा कंडीशनल लॉ किस तरह से होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ये हमारा P है, ये हमारा Q है, तो निगेशन ऑफ P और Q होता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ निगेशन ऑफ P और Q, ये बीच में एंड और यहाँ पर पहले Q है, तो निगेशन ऑफ Q और P, इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल लॉ। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इसके बाद हमारा कोई भी लॉ जो है वो लगाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे अपना, इसके बाद हम ये जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो ये ब्रैकेट है इसे यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी जो है वो पूरे ये वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो निगेशन ऑफ पी एंड ये पूरा ब्रैकेट हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर बीच में यहाँ पर और की साइन है, तो और क्यू, और फिर ये क्यू जो है वो पूरा ये वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, निगेशन ऑफ क्यू और पी, यहाँ पर बीच में एंड की साइन। हम ये एक बड़े ब्रैकेट डाल देते हैं और अलग से, तो यहाँ पर जब हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या ब्रैकेट से हम बाहर निकालते हैं, तो वो कौन सा लॉ होता है स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लगा दिया है। अब जो है वो हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इस तरह से ये हो गया। और फिर वापस से बीच में क्या है हमारा, और लगाएंगे हम निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ पी एंड पी है, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, बीच में यहाँ पे और की साइन, फिर वापस से हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, Q एंड निगेशन ऑफ Q, फर्स्ट वाला ब्रैकेट होगा Q एंड निगेशन ऑफ Q, फिर बीच में जो है वो और की साइन, तो यहाँ पर हम और डाल देंगे, और Q एंड P, तो यहाँ पर होगा Q एंड P, इस तरह से। तो हमने जो है वो वापस अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि निगेशन ऑफ पी एंड पी है, तो हमने याद करें स्टूडेंट्स पढ़ा था कि निगेशन ऑफ पी एंड पी क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर निगेशन ऑफ पी जो है वो ट्रू है तो पी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, और टी एंड एफ क्या होता है, हमेशा फॉल्स होता है, तो यहाँ पर भी ये जो है वो फॉल्स हो जाएगा, और ये वाला जो है वो एज इट इज लिखेंगे हम, क्योंकि ये दोनों अलग है तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो हम इसे एज इट इज लिख लेंगे, और फिर वापस से, और अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो रही है, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू, वापस से फॉल्स ही होगा, और क्यू एंड पी, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इसके बाद याद रखे स्टूडेंट कि अगर कुछ भी आ रहा है फॉल्स के साथ, यहाँ पर हमारा कुछ भी आ रहा था पी और फॉल्स आ रहा था, तो हम उसे क्या लिख रहे थे, पी लिख रहे थे, क्योंकि और के साथ एफ के साथ अगर कुछ भी हो ट्रू है तो वो ट्रू होगा, फॉल्स है अगर और के साथ तो वो क्या होगा, फॉल्स, यानी यहाँ पर जो आंसर है वही आंसर आ रहे थे, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इस तरह से ये और एफ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बीच में बड़ा वाला और, वापस से यहाँ पर भी सेम हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, क्यू एंड पी। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमें क्या चाहिए था, पी एंड क्यू चाहिए था,
लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है क्यू एंड पी, तो हम इसे उल्टा करके लिख सकते हैं। कौन सा लॉ होता है वो? कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसे यहाँ पे अगर स्वैप कर दूंगा तो ये हो जाएगा क्यू, सॉरी पी एंड क्यू हो जाएगा, ये पी एंड क्यू। और हमारा और तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, ये हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट है पी, सॉरी निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, जो हमें यहाँ पर प्रूफ चाहिए था वही है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो है वो बस लॉज याद रखने हैं, तो इजीली हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको वापस से सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी अगर आप सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो अपने लॉज के जो टेबल को है वो साथ में ले करके बैठे, तो उसे देख देख कर अगर आप सॉल्व करेंगे अभी तो आपको जो है वो लास्ट सम तक आते आते प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बिना देखे भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपना सेकेंड सम देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो है वो इक्विवेलेंट टू पी प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम अपना पहले LHS लिख लेते हैं। हमारा LHS क्या है, P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें कंडीशनल लॉ नहीं लगेगा, बाय कंडीशनल लॉ नहीं लगेगा, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P और यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो P और जो है वो कॉमन निकल जाएगा और क्या बचेगा, Q एंड निगेशन ऑफ Q। तो Q एंड निगेशन ऑफ Q जो है वो अलग से ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर Q एंड निगेशन ऑफ Q आ रहा है। तो Q एंड निगेशन ऑफ Q हमारा कौन सा लॉ होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर Q ट्रू है तो निगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, फॉल्स। और ट्रू एंड फॉल्स हमेशा क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इसलिए यहाँ पर पी और फॉल्स होगा, यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ होगा, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पी और एफ है, तो अगर पी ट्रू है और उसके साथ एफ है तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंट टू ट्रू होता है, और अगर फॉल्स है तो उसको इक्विवेलेंट टू क्या होगा, एफ। तो यहाँ पर पी और एफ है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, पी, दैट इज अवर प्रूफ। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड सम फिनिश होता है। स्टूडेंट्स हम अपना थर्ड सम देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा LHS है, एज इट इज हम लिख लेंगे पहले निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंड क्यू और एंड क्यू जो है वो हमारा क्या है, कॉमन निकल सकता है। कौन से लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। याद रखिए हम कॉमन निकालते हैं या अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कौन से लॉ से होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, पी और निगेशन ऑफ पी बचेगा और बाहर आएगा एंड क्यू। तो दिस विल बी आवर ब्रैकेट और यहाँ पे आएगा और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि P और निगेशन ऑफ P है, तो P और निगेशन ऑफ P यानी ट्रू और निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, ट्रू और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू ही होता है। तो यहाँ पर ये पूरे स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा, ट्रू एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q एज इट इज। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया और यहाँ पर हमारा लगा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब इसके बाद जो है वो टी एंड क्यू है, तो याद रखिए स्टूडेंट्स की ट्रू एंड पी था हमारा, तो हम उसे क्या लिखते थे, इक्विवेलेंट टू पी लिखते थे बाय विच लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पर टी एंड क्यू जो है वो हम उसे क्या लिखेंगे, सिर्फ क्यू और ब्रैकेट जो है वो एज इट इज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पर हमारे आइडेंटिटी लॉ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वापस से लगेगा। तो क्यू और पी बीच में एंड क्यू और निगेशन ऑफ क्यू, तो यहाँ पर हमारा वापस से क्या लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इस तरह से हमने हो गया। अब हमें क्या लाना है, पी और क्यू लाना है। तो यहाँ पर हमें P और Q इसे हम अगर घुमा देंगे कम्यूटेटिव लॉ से तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट इसका क्या करें, तो फिलहाल यहाँ पर हम इसे एज इट इज लिखते हैं एंड Q और निगेशन ऑफ Q। अब और के टाइम पे याद रखिए कि ट्रू और निगेशन ऑफ ट्रू,
ट्रू और फॉल्स क्या आ रहा था हमारा, ट्रू आ रहा था, तो यानी इसका जो है वो पूरा आंसर क्या आएगा हमें, ट्रू आएगा। बाय विच लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ट्रू एंड समथिंग है, तो याद करिए ट्रू एंड फॉल्स अगर आंसर आ रहा था हमें तो हम उसका फॉल्स लिखते हैं, ट्रू एंड ट्रू आता है तो हम उसका ट्रू लिखते हैं, यानी जो सेकेंड वाला ऑप्शन होता है ट्रू और एंड के साथ हमेशा हमारा वो आंसर वही होता है। तो यहाँ पर भी टी एंड ये अगर हमें पी लेते हैं हम इसे, तो हमारा जो आंसर है वो यही आएगा। तो यहाँ पर हो गया, अब हम इसे क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, तो वो हो जाएगा पी और क्यू। बाय विच लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर जो है वो हमारा प्रूफ रेडी है। तो दिस इज अवर थर्ड सम, आइए फोर्थ सम देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हम अपना फोर्थ सम देखते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये, और ये हमें प्रूफ करना है, तो हम इसे लिख लेते हैं पहले, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू सॉरी, इम्प्लाइज पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। इस तरह से हमारा सम है। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इम्प्लीकेशन के साइन है, तो हम यहाँ पर कंडीशनल लॉ लगाएंगे। तो हमारा कंडीशनल लॉ क्या हो जाएगा, ये जो है ये हमारा पूरा पी हो जाएगा और ये हमारा पूरा Q। तो हमारा कंडीशनल लॉ क्या बोलता है, P इम्प्लीकेशन ऑफ Q हमेशा क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसे निगेशन को एज इट इज बाहर रहने देंगे, ये हमारा पूरा P है यानी इसका निगेशन हो जाएगा Q और यहाँ पर आ जाएगा और Q जो है वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो कौन सा लॉ लगाया है, कंडीशनल लॉ। हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, कंडीशनल लॉ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम निगेशन को अंदर पुट करेंगे, तो निगेशन जब हम अंदर पुट करेंगे तो ये निगेशन और ये निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो ये निगेशन हम कैंसल कर देते हैं, पी और निगेशन ऑफ क्यू, ये और जो है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और ये निगेशन की साइन जो है वो यहाँ पर भी आएगी। तो यहाँ पर हम फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज अवर डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अब ये वाला जो ब्रैकेट है वो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इस पे हम लोग कुछ भी एप्लीकेबल नहीं कर सकते, ये एंड भी हमारा एज इट इज रहेगा। अब ये निगेशन को हम क्या करेंगे, अंदर पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, पूरा क्यू हो जाएगा। तो यहां पर वापस से हमारा क्या लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ। अब आप देख सकते हैं कि हमें जो प्रूफ चाहिए था वो अपने आप आ गया है। तो दिस फिनिशेज अवर प्रैक्टिस सेट 1.4। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।